सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टॉक लवर। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 3 अक्टूबर को एक स्विंग ट्रेडिंग का स्क्रीनर हमने रन किया था, तो उसमें ITD सीमेंटेशन मिला था, शारदा एनर्जी मिला था हमें और RPG लाइफ साइंस मिला था। अब आप आज जाके चेक करेंगे हम वन बाय वन इनमें किस तरीके का चार्ट सेटअप बन रहा है और कल इनमें 8 अक्टूबर के दिन में कितना अच्छा मूवमेंट हमें मिला है। पहले ये 19% का मूव दिया था इसने, शारदा एनर्जी ने 9% का, RPG ने 4% का, एंड प्राइस भी हम देख सकते हैं कि ITD सीमेंटेशन 643 पे अवेलेबल था, शारदा 491 पे और RPG हमारा 2614 रुपये पे अवेलेबल था। अब इन्होंने रिट्रेसमेंट लेने के बाद में रिट्रेसमेंट कहाँ पे लिया, कितने मूविंग एवरेज पे लिया, वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लेने के बाद में इन तीनों स्टॉक्स ने कितना अच्छा मूवमेंट दिया है। अब हम चलते हैं अपने डायरेक्टली स्क्रीनर पे। तो फ्रेंड्स, ये आपके सामने आ गया है ITD सीमेंटेशन का चार्ट। ओके, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 आवर का चार्ट है। हम देख सकते हैं कि अभी ये स्टॉक जो है 623 रुपीज़ पे खड़ा हुआ है। ठीक है, अब अभी आप देखो कि यहाँ पे ये हर एक बार चार्ट जो है सेम इस 20 मूविंग एवरेज की लाइन से एक रिवर्सल ले रहा है। तो कल के दिन में भी इसमें हमें 1% का एक मूवमेंट दिखाई दिया है और सेम 20-day मूविंग एवरेज से एक इसमें मूवमेंट दिखाई दिया है दोस्तों। उससे पहले हमारा यहाँ पे मूवमेंट हुआ था, ये 200-day में के आसपास में था, वहाँ से इसने रिवर्सल लिया। तो हमें चार्ट को, पैटर्न को समझना है कि किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। ये एक हमारा पहले रेजिस्टेंस था, तो अभी इसने एज ए यहाँ पे सपोर्ट का काम किया। तो यहाँ पे सपोर्ट भी था, 20-day मूविंग एवरेज भी था, यानी कि हमारे 2-3 चीज़ें एक साथ मैच कर रही थी। तो यहाँ पे इसको एक अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प लेके लिया जा सकता है। और हमारा केवल इसमें टारगेट कितना है भाई, 5-6% का है, जबकि अगर ये अपना हाई भी लगाता है तो हमें 11-12% का रिटर्न मिल जाएगा। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको शारदा एनर्जी, देखना कितना शानदार पैटर्न शारदा एनर्जी में बना हुआ है। अब ये शारदा एनर्जी का चार्ट आप लोगों के सामने खुल गया है। सेम अगेन यहाँ पे हमारी ये 20-day मूविंग एवरेज की लाइन को फॉलो करता हुआ चल रहा है। तो मार्केट ने इस स्टॉक ने ऊपर में एक हाई लगाया, फिर एक नीचे सपोर्ट लिया, फिर हाई लगाया, फिर यहाँ पे नीचे सपोर्ट लिया, अभी यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात ये आती है कि भाई इस तरीके के स्टॉक्स हमें, मूवमेंट वाले स्टॉक्स मिलेंगे कहाँ से। तो वो स्क्रीनर है, स्विंग ट्रेडिंग का स्क्रीनर है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक दिया हुआ है। एक छोटी सी फीस है केवल एंड केवल 999 रुपीज़ की, उसको पे करने के बाद में आपको वो लिंक मिल जाएगा और उससे आप ऐसे बढ़िया शानदार स्टॉक्स ढूंढ सकते हो कि जो हमें ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक्स दे जो एक सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाईर हाई बनाते हुए जा रहे हो। तो शारदा एनर्जी का क्लियर हो गया। तीसरा स्टॉक मैं दिखाता हूँ दोस्तों, RPG लाइफ साइंस। ये ऐसे स्टॉक्स हमें रोज़ मिलेंगे हमारे स्क्रीनर में, रोज़ मिलेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, RPG लाइफ साइंस का मैं आपको दिखाता हूँ। अब RPG लाइफ साइंस का देख लो चार्ट, आप सब लोगों के सामने लाइव दिखा रहा हूँ एकदम। क्या ये इस मूविंग एवरेज को फॉलो हो करता हुआ नहीं जा रहा है? तो करना क्या है बस कि भाई जैसे मूविंग एवरेज के आसपास में आए तो हमें धीरे धीरे करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके स्टॉक को ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 200 मूविंग एवरेज था, ब्लैक कलर की लाइन 200 मूविंग एवरेज है, उसके आसपास हमें स्टॉक मिला। तो सबसे बड़ी बात है कि मोमेंटम वाले स्टॉक्स मिलेंगे कैसे, उसका स्क्रीनर मैं दे रहा हूँ, लिंक में है, कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमें केवल इतना करना है कि इस मूविंग एवरेज के आसपास पकड़ना है, 20-day मूविंग एवरेज के आसपास, और जैसे ही पहले वाला हाई ब्रेक करता है तो अपना अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये ऑलरेडी अभी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है RPG लाइफ साइंस, कल के दिन में भी 4% का एक मूवमेंट दिया है। और अगर आपको थोड़े से नीचे की तरफ में मिल जाता है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेके आप इसमें बना सकते हैं अपना पैसा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पर क्लिक कर अपना लिंक कैप्चर करना मत भूले, लेना ना भूले। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे टेलीग्राम कर सकते हो, स्टॉक लवर इंडिकेटर पे हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन शानदार ये एक सेटअप है और बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न इसमें मिल जाएगा, आपकी फ़ीस एक ही इंडिकेटर से, एक ही स्टॉक से निकल जाएगी। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस